अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। तो हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं, आज चलो कुछ नया पढ़ते हैं, मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पहले से सब कुछ लिख के रखा है, अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी कि ये सारी चीज़ें मैंने क्या लिख रखी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और शुरुआत करते हैं किससे, शुरुआत करते हैं अ से। ठीक है, अ पहले हम स्वर वर्ण पढ़ लेते हैं। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये तो आपको याद भी हो गया होगा, फिर भी उच्चारण में ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, इसको हम क्या कहेंगे, आ की मात्रा, इसको हम क्या कहेंगे, हम आ की मात्रा, इस वर्ण को हम कहते हैं आ की मात्रा, इस वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, आ की मात्रा। ठीक है, इस वाले वर्ण को हम कहते हैं आ की मात्रा, इसको हम कहेंगे छोटा ई की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, छोटी ई की मात्रा, जो हमेशा आगे की तरफ से लगता है। इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा, जो पीछे की तरफ से लगता है। फिर ये है छोटा ऊ की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, छोटा ऊ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है। और याद रखना ये और ये नीचे लगते हैं, वर्ण के नीचे लगते हैं। इसे हम पढ़ेंगे री की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, री की मात्रा। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे ए, ये वर्ण के ऊपर लगता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए, ए की मात्रा, ये वर्ण के ऊपर लगता है। इसको हम पढ़ेंगे ऐ की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐ की मात्रा। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे औ की मात्रा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, औ की मात्रा। ये है हमारा अंग की मात्रा, ये हमारा क्या है, अंग की मात्रा। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, अह, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अह। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं किस तरह से शब्द को लिखा जाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो देखो हम मैंने एक शब्द बनाया है अचकन, अ च क न, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये है बिना मात्रा वाला शब्द। देखो इसमें एक भी मात्रा नहीं है, तो ये क्या कह, ये क्या, इसमें अ है, इसमें एक भी मात्रा नहीं है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, आ की मात्रा, आ की मात्रा से क्या बना, आम। ये देखो यहाँ आ की मात्रा आया, ठीक है, यहाँ पे कौन सी मात्रा आई, आ की मात्रा आया। फिर हमने क्या पढ़ा था, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा कहाँ से, मैंने आपको पहले ही बोला था आगे लगता है, तो क्या बना हमारा, दिन, क्या लगा हमारा, बना हमारा दिन। देखो ये किस तरह से लिखा गया, देखो इस तरह से ये लिखा गया है ना, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिन। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, तो ये कहाँ पे लगा, देखो क्या बना इससे, घड़ी, क्या बना इससे, घड़ी, घड़ी मात्रा कहाँ लगा, पीछे की तरफ लगा। हाँ, फिर है हमारा छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा से क्या बना, धुन, धुन कहाँ नीचे लगा, इसका वर्ण नीचे की तरफ लगा, कहाँ लगा, नीचे की तरफ लगा, और ये हमेशा वर्ण के नीचे लगता है धुन, ये जल्दी से बोल दिया जाता है। फिर हमारा दूसरा बड़ा उसे क्या बना, फूल, ये कहाँ लगा, वर्ण के नीचे, और इसके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है, फूल। फिर है हमारा वृक्ष, री की मात्रा, री से ऋषि पढ़ा था ना, तो ये देखो री से क्या बना, वृक्ष। हाँ, ये मात्रा कहाँ लगा, नीचे की तरफ, कहाँ लगा ये, नीचे की तरफ, तो क्या बना ये, वृक्ष, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वृक्ष, री की ये मात्रा है। ठीक है, फिर है हमारा क्या है, फिर है हमारा एक ही मात्रा, एक ही मात्रा कहाँ लगा, ये देखो शब्द के ऊपर लगा, शब्द के ऊपर लगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेब, सेब, ए, सेब। फिर है हमारा ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये देखो ये यहाँ पे लगा, तो से ए, ऐ, ऐ से क्या बना, मैना, मैना, ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ क्या बना, ये मैना। ठीक है, फिर है हमारा कोट, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा हमारा कहाँ लगा, देखो शब्द के बीच में लगा, तो ये क्या कहलाएगा, कोट, कोट, समझ में आ रहा है ना।
ओ की मात्रा, हाँ इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा। फिर है हमारा ओ जो है वो हमारा, देखो इधर मैंने हाईलाइट किया, इसको हम कहेंगे औरत, ओ की मात्रा औरत, ओ, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर है हमारा अंक की मात्रा, ये देखो ऊपर अंक की मात्रा लगा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अंक की मात्रा। तो क्या बना हमारा, पंख, समझ में आया, पंख, उच्चारण सुनो पंख। फिर हमारा अह, अह कहाँ लगता है, शब्द के पीछे लगता है, ये देखो अतः, प्रातः, ये क्या कहलाएगा, अतः, ठीक है समझ में आया। फिर से एक बार करते हैं, इस वाले को हम कहते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आ की मात्रा कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आ की मात्रा, इसको हम कहेंगे छोटी ई की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे छोटा उ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे बड़ा उ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे री की मात्रा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे आए की मात्रा। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस देखना, ए की मात्रा, आए की मात्रा, ए आए, आए की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा, ओ, आओ की मात्रा, ये क्या कहलाएगा, ओ, ओ, आओ, ओ, आओ, इसको हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अंक की मात्रा, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, अह, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अह। फिर देखो वर्ण क्या बना, अ से अचकन आम, आ की मात्रा से क्या बना, आम, छोटा ई से क्या बना, दिन, बड़ी ई से क्या बना, घड़ी, घड़ी, छोटा उ से क्या बना, धुन, छोटा उ से क्या बना, धुन, बड़ा उ से क्या बना, फूल, री से वृक्ष, सेब, ए, ए सेब, आए मैना, मैना, कोट, औ से औरत, अंग से क्या बना, यहाँ देखो ऊपर पंख, अह से आता, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, थैंक यू।